ऐसा देखिए फिल्म वाले बात बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। नहीं देखिए हाँ ये इसमें हमारा एक गाना है तो टाइटल ट्रैक जिसको आप कहते हैं, जरा आप उसको सुन लें फिर उसके बाद में आप जरा बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ हमने जिसको रैप बोलते हैं कुछ एक कोशिश की है। भट्ट साहब सुना दो ना, अभी 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 सुना दो भट्ट साहब, अभी ऊपर सुना के आए हो आप, दो ही लाइनें हैं। इमरान इमरान को मैं कभी बख्शूंगा नहीं क्योंकि इसकी आंखों में जो एक सेडिज्म है एक्चुअली क्या है ये सुनो तुम सुनो, ये गाने की जो लाइन है ये गाने वाले थे मगर मैंने इनके मुंह से निवाला छीन लिया क्योंकि मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को कन्विंस कर दिया कि मेरी आवाज जो है इनसे बेहतर है। अभी हम थोड़ी गाना गा के सुनाएंगे यहाँ पर है सर, दो लाइनें तो सुना दो सर, अभी रिविजन करके आ गए हो सर। ओके ओके तो तू जो है आप भी गा लो ना थोड़ा सा, पहले आप गा लो फिर शायद भट्ट साहब वार्म अप हो जाएंगे। कौन सा क्या गाऊं सर जो आप दो एक्चुअली वो लाइन गाना कम है भट्ट साहब ने बोले हैं लाइनें, वो गाना तो वो दो लाइनें बस इंग्लिश अभी सुना दो सर। अहमियत तभी होती है जब वो कॉन्टेक्स्ट में आता है ना पूरा गाना, ऐसा थोड़ी गाना कहीं गाना सर। उनको बाइक चलाना अच्छी खूबसूरत लगेगा, आप गाना गा रहे हो अच्छा लगेगा सर। You can. Okay, 5, 6, 7, 8. You can call me X. Mr. X. अभी भट्ट साहब थोड़ी फिलोसफी बिछाड़ दो। Mr. X. जो एंड में आपने बोला था, जो थोड़ी फिलोसफी बिछाड़ दो। Last line. Mr. X roams in the zones where the human heart thirsts for love, eternal love, love, love. और अब अंकित आप भी जरा ऑनर्स कर दीजिए, पहले अभी पहले गाना गा लो आप। हाँ मैं सीधा गा रहा हूँ। हाँ सीधा सीधा गा लो। तेरे सांसों की सांसों में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे ख्वाबों की आँच में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, यू जो है तो मैं हूँ। थैंक यू। अच्छा मैं हाँ बोल दो। हाँ एक्चुअली यार मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इसका क्या जवाब दूँ। आप विक्रम जी आपसे लेकिन ये सवाल, गाने तो ठीक है लेकिन आप 3D के किंग हैं और बहुत कष्ट से ये सारी फिल्में बनाते हैं और कहना पड़ेगा कि आप एक ऐसे अकेले ही हैं इस चोटी पर, तो हमने आपसे ऊपर भी सवाल ये किया था सबके सामने द्वारा पूछना चाहेंगे कि फिल्म मेकर जो हैं वैसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरते हैं पिक्चर बनाते समय, लेकिन आप तो अपनी प्रॉब्लम 3-fold बना देते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? एक ऐसी चोटी सिलेक्ट की जहाँ कोई है ही नहीं ताकि मैं ही मैं हूँ, तो इट्स ईजियर टू बी द किंग व्हेन देयर इज नोबडी एल्स अराउंड। यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट बट द ट्रूथ इज दैट दे आर वेरी टफ टू मेक, तो इज देयर अ रीजन व्हाई बचपन से ही आपने ये सोचा था कि ये अलग ट्रैक पर मैं चलूं? नहीं बचपन से तो नहीं सोचा था, लेकिन जब देखा कि सब लोग एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं तो कुछ नया कुछ, देखिए आजकल
लोग थिएटर में वैसे ही आते नहीं हैं, और ऐसा क्या है जो हम थिएटर में देख सकते हैं जो घर पे नहीं देख सकते? वो है द सेंसेशन ऑफ 3D, ग्रेट साउंड, तो ये सब चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स विद अ गुड स्टोरी एंड इफेक्ट्स, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑडियंस को अपने घर को छोड़ के थिएटर में लेके आती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब कुछ तो आप अपने टेलीफोन पे देख सकते हैं। आपकी पहली फिल्म जब हॉन्टेड आई थी, इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग रनअवे हिट, किसी ने सोचा नहीं था, बहुत पैसे कमाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40 करोड़ रुपए कमाए थे पिक्चर ने, 30 या 20, यस। तो एट दैट पॉइंट टाइम आपको लगा था कि एक मनी मेकिंग काइंड ऑफ सिनेमा भी बन सकता है ये, बिकॉज पीपल हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, प्लस स्टारकास्ट वाज नॉट एट ऑल बिग एट दैट पॉइंट टाइम एंड स्टिल मेड सो मच मनी। एक्चुअली वो फिल्म पे तो किसी को भरोसा नहीं था मुझे छोड़ के, आपको था, आपको था, भट्ट साहब को था, और भट्ट साहब हर रोज मुझे फोन करके पूछते थे आज कितना कमाया आज का कलेक्शन बताओ। लेकिन हर स्टूडियो ने पिक्चर देखी और ख़रीदी नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कौन आएगा, 3D चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ऑडियंस जो है वो इंडस्ट्री से थोड़ी आगे ही चलती है, जो ऑडियंस को चाहिए हम को बाद में ही पता चलता है थोड़ा। एंड यू वर अ विजनरी देयर, बोलिए। Well, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग तभी चेंज हुई थी ऑन सेट, और बहुत सारे सीक्वेंसेस टेलर मेड थे जब मिस्टर एक्स यू नो फ्रेम में आता है और जब नहीं दिखता है। तो ये सीक्वेंसेस के लिए जो फॉर एग्जांपल जैसे बाइक सीक्वेंस है जो 6-7 दिन के लिए शूट किया गया था, उसके लिए मैं 3 दिन के लिए आया था, और मुझे एक्चुअली पैसे मिल गए थे 7 दिन की शूटिंग के लिए, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आया था, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो सीक्वेंस में मैं नहीं हूँ वो विक्रम बता सकते हैं किस तरह वो सीक्वेंस, आई हैव नॉट सीन इट, मैं ही इज आस्किंग व्हाट, या तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स नॉट कंप्लीट इनविजिबिलिटी, कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे देयर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी दैट आर इनविजिबल। जो दो सिचुएशंस में ये दिख सकता है वो है डायरेक्ट सनलाइट में और रात को यूवी लाइट में, इन ब्लू लाइट, इन ब्लू नियॉन लाइट, और ये एक तरह से उसका वीकनेस भी बन जाता है, विच द विलन्स इन द फिल्म कम टू नो, आई डोंट टेल द एंटायर स्टोरी, आपको आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बट दीज आर द टू सिचुएशंस वेयर यू कैन सी हिम। एग्जैक्टली जब मैं दिखता हूँ फिल्मों में तो इतना कुछ करता हूँ, तो इमेजिन अगर मैं नहीं दिख सकता हूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो आप टिकट खरीदिए, जाके फिल्म देखिए और फिर आपको पता चलेगा। इस सवाल पे आई एम श्योर मायरा बोलेंगी। Yeah, I know he's known as the serial killer. No, then? I don't understand. Correct. Yes. Huh. So why are you laughing at me? Say the word. अरे है ना ट्रेलर में दो है ना, है है ट्रेलर में है ना दो. He's right. Of kissing, he wants to know the experience of kissing. I've kissed before. He's not the first one. Don't worry. not the Bisleri bottle and the lollipop. How was it kissing Imran Hashmi? That's what he wants to know, so that they get their footage and they can play it. See, they're all smiling over there.